नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर। आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। DTPSB मॉर्निंग न्यूज विद मोटिवेशनल थॉट में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक जो बहुत ही कटु सत्य है वो आज बता रहा हूं मैं आपको। हमारा जन्म और मृत्यु हमारी मर्जी से नहीं होते हैं। तो आप ये कैसे सोच लेते हैं कि जो इसके बीच का पीरियड है वो भी हमारी मर्जी से हो? नहीं हो सकता ना। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं, ऐसे हम उस टाइम को नहीं मोड़ सकते। कुछ हद तक मोड़ सकते हैं लेकिन 100% नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन की जो दो अद्भुत घटनाएं हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। तो बीच ही कैसे हो सकती हैं? उसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कैसे? अगर हम मेहनत करेंगे तो हमको धन मिलेगा, धन मिलने के चांस होंगे। ये नहीं जितनी मेहनत करोगे आप उतना मिल ही जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर। सब्र करेंगे तो हमें काम मिलेगा, ठीक है? अगर हम सब्र करेंगे तो हमें काम मिलेगा। मीठा बोलेंगे तो पहचान बनेगी, मीठा बोलेंगे तो हमारी पहचान बनेगी, और इज्जत करेंगे तो हमारा नाम होगा, और ये भी पार्शियल, ये 100% नहीं है। इसलिए कभी भी किसी चीज को 100% लेकर न चले कि मैं ये कर रहा हूं तो ये हो जाएगा। होगा जरूर अगर आप में अच्छी डिटर्मिनेशन है, लेकिन अगर फेल हो जाता है तो उसको ये मतलब कि मैंने मेहनत की थी और मेरा काम नहीं हुआ है, क्योंकि जो जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं वो हमारे हाथ में नहीं है। तो बीच की भी हम ये सोचते हैं कि 100% हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए अपने आप को कभी डिमोरलाइज न करें, ये मेरे कहने का मतलब था। अगर आप असफल होते हैं तो सफलता फिर मिलेगी आपको। चलिए अब बात करते हैं DTPSB या दिल्ली में क्या हुआ। पहली बात तो वे धरने चल रहे हैं गेस्ट टीचर के, पुलिस डंडे बरसा रही है, जेल में डाल रही है, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि असत्य बातें ग्रहण नहीं की जाती, ठीक है? लेकिन नहीं यार, तो क्या कर सकते हैं, वो दूसरों का हित छीनकर अपना हित चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। LG या गवर्नमेंट पागल नहीं है। चलिए, वो जो कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहने दीजिए, चाहे वो लड़ाई सत्य के लिए है या असत्य के लिए है, वह उनका सोचना है। फिर कल एक कोरोजेंडम आया था शुद्धि पत्र, वो एक डेट ऑफ बर्थ के बारे में था, और कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। रिजल्ट हमारे बाधित नहीं होंगे, वो आएंगे, ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होगी, लेकिन ज्वाइनिंग इस बीच में नहीं होगी, मई के बाद ही अब ज्वाइनिंग होगी, जून में ही ज्वाइनिंग शुरू होंगी, ठीक है? तो फिर मैं आपके लिए बात करने वाला था, जो हरियाणा में स्पेशल एजुकेटर की 162 पद हैं, दोबारा रिमांड करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद हरियाणा ने स्पेशल एजुकेटर के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। कुल 162 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, इन पदों को अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। देखो, आ गया फिर हरियाणा में अनुबंध, इसीलिए मैं इस पोस्ट को दोबारा पढ़ रहा हूँ। एक बार मैं पहले बता चुका हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस हम लोगों को मार देगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाल सकते हैं तो वाई नॉट परमानेंट। और मैं उन भाइयों को या बहनों को जो भी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी करते हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ कि उनका अनुबंध 1 साल के लिए होता है, ये सबको पता होता है, लेकिन वो फिर परमानेंट की मांग क्यों करते हैं? जब उसमें पहले लिखा होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए है या 3 साल के लिए है, तो फिर परमानेंसी कहाँ से आ गई? चलिए बात करते हैं BC की। योग्यता, मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से बैचलर, मास्टर, BEd डिग्री या समकक्ष विषय में डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। आयु न्यूनतम 18, अधिकतम 42 वर्ष। चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। जब यहाँ पर लिखित परीक्षा हो रही है तो ये फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस क्यों कर रहे हैं? पता नहीं मुझको तो क्या हो रहा है शिक्षा व्यवस्था को, हर स्टेट में हर जगह। इसका जो आवेदन शुल्क है 500 रुपये और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये है। लास्ट डेट 25 मार्च 2019। वेबसाइट है www.hsspp.in, इस तरह जाकर कर सकते हैं। तो मैंने जब आपके लिए वीडियो बनाई थी
दास्ता वाली कि हमको गुलाम बनाना की पूरी प्रक्रिया चल रही है और हमको बना देंगे। अभी आप देख रहे हैं हजय कॉन्ट्रैक्ट बेस, उसमें लिखित परीक्षा भी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस वो भी लिखित परीक्षा के आधार पर कर रहे हैं। जब आप लिखित परीक्षा ले रहे हैं तो वाई नॉट परमानेंट। चलिए कोई बात नहीं, अभी तक इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।